स्वयं परमात्मा बाप दादा को मिलने के लिए इस श्रुति से डिटैच होकर, कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर चले जा रहे हैं। मन और बुद्धि के विमान द्वारा हम सब एक ही पेड़ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जाते जाते नीले आकाश में बहुत सारे और फरिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं और आभा मंडल इतनी तेजस्वी प्रकाशमय दिखाई दे रही है। मन में उमंग और उत्साह लेकर विजयादशमी के त्योहार की शुभकामनाएं और बहुत सारी मनोकामना लेकर हम बाप दादा के सामने सूक्ष्म वचन में पहुंच गए। बाप दादा को देखिए, शक्तिशाली स्वरूप, पवित्रता का ताज और बहुत ही मन को मोहने वाला बाबा का ये स्वरूप। जैसे हम अंदर जा रहे एक बहुत बड़ा तारा मंडल, तारागण सजा सजाया सूक्ष्म वतन में दिखाई दे रहा है। भिन्न प्रकार के चमकते हुए सितारे और चांद अलग अलग प्रकाशित, अलग अलग स्वरूप के चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सारा सूक्ष्म वतन चांद और सितारों से ही सजा सजाया है। मैं आत्मा पूरे तारा मंडल को, तारागण को इस रूहानी सभा में बहुत ही ध्यान से, उत्सुकता से देख रही हूँ। देखते देखते बहुत सारे मन में प्रश्न भी उठ रहे हैं। आश्चर्यजनक मैं और अचानक बाप दादा बोले कि बच्चे, आज आप विजयादशमी का भोग स्वीकार कराने आए हो, तो साथ ही साथ मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ नया करूं, तो इसलिए सूक्ष्म वतन को चांद सितारों से सजाया हुआ है। पर साथ साथ इसमें कई सारे गुप्त राज छिपे हुए हैं, तो अलग अलग प्रकार के सितारे बाप दादा मुझे दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते कह रहे हैं कि ये सितारा जो है, इस टाइप के सितारे मेरे विशेष बच्चे जो विश्व सेवा के निमित्त है, वो ज्ञान सितारे है। दूसरे बाजू ये सितारे जो उससे डिफरेंट है,
ये योग के सितारे हैं। और आगे नजर फिरते अलग प्रकार के सितारे दिखाई दे रहे, जो बाप दादा कहते हैं कि ये गुणदान मूर्त सितारे हैं। और एक अलग प्रकार का सितारा बाबा कह रहे हैं, ये निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, जैसे ज्ञान के इस पढ़ाई के चार सब्जेक्ट हैं, उस चार सब्जेक्ट के आधार पर मेरा हर बच्चा अलग अलग सितारों के रूप में यहाँ पर हाजिर है, और मैं रोज उन सितारों को देख देख कर हर्षित होता हूँ। पर साथ साथ बाप दादा खुद को उम्मीद के सितारे दिखा देते हैं, कहते हैं कि मेरी भी बहुत उम्मीद बच्चों से जुड़ी हुई है। विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर दुख और अशांति की लहर अभी है और बढ़ने वाली है, तो अब मैं आप सबको सफलता का सितारा देखना चाहता हूँ। उम्मीद के साथ साथ मोहब्बत और मेहनत के प्रभाव से आगे बढ़ते चलो। रोज रोज चेक करो कि मैं कौन सा सितारा बन रहा हूँ। क्या ये विश्व पर मुझ सितारे की लाइट का प्रभाव पड़ रहा है? जैसे जैसे कलयुग का अंत होगा, दुख अशांति के काले बादल घिरते जाएंगे, घोर अंधेरा होगा, और तब आप सब बच्चों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। अभी तो धरती पर ज्योति बिंदु के स्वरूप में चमकती सितारे को कोई भी नहीं जानता, पर वो समय भी आएगा और आप सब बच्चे चलते फिरते फरिश्ते बन जाएंगे और आत्मा के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का भाव सहयोग का अनुभव उमंग उत्साह और कई प्रकार की प्राप्तियों का अनुभव आप फरिश्ते इस विश्व को कराएंगे, और तभी ही आप सच्चे सेवाधारी विश्व कल्याणकारी त्याग नम्रता और तपस्या का एक उदाहरण बन जाएंगे। पर हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि हम जब भी विश्व सेवा करें तब हमारे अंदर संतुष्टता का गुण बनाए रखें। जब स्वयं संतुष्ट मणि बनोगे तब लाइट हाउस और माइट हाउस बन शांति की शक्ति के किरणों द्वारा वायुमंडल बहुत ही अच्छा विघ्न विनाशक वाला बना सकोगे। तो सदा यही चमकते हुए सितारे
संतुष्टता की लहर फैलाने वाले, रूहानी फल देने वाले आप मेरे बहुत ही लाडले बच्चे, सदा पांच तत्व और पांच विकारों को अपना सेवाधारी बना माया चित बन स्वराज्य अधिकार लेने वाले सब बच्चों को मैं गुणों और शक्तियों से श्रृंगार कर भिन्न भिन्न ड्रेस और टाइटल के साथ विकार पर जीत पाने का आज खास वरदान दे रहा हूँ। अपने अंदर छिपे हुए विकार रूपी रावण को अभी यहाँ मुझे देकर जाओ। ऐसा अनुभव करिए और एक दृढ़ संकल्प के साथ राइट हैंड आगे करकर बाबा को, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करिए कि आज मेरे अंदर का ये अवगुण यहीं पर आपको समर्पित कर जा रहा हूँ। और ये धर संकल्प करते ही जैसे बाप और दादा से एक अनोखी शक्ति का अनुभव हो रहा है और शक्ति और गुणों से भरपूर मैं आत्मा फिर से अपने मस्तक सिंहासन पर दृढ़ संकल्प को लेते हुए सच्ची विजयादशमी मनाने के लिए स्थित हो रही हूँ। जो अनुभव किया उसको मन ही मन दोहराते रहेंगे।